मेरा नाम शमशान, मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। ये चंद लाइनें उस वाराणसी के लिए काफी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस शहर में शमशान बहुत हैं, लेकिन ये शहर जिंदा है। इस शहर में लोग जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ मरने से मोक्ष मिलता है। जीवन का चरम सत्य है मृत्यु। दुनिया में कहीं भी कोई मरता है तो परिवार वाले, समाज, रिश्तेदार शोक से डूब जाते हैं। उनको लगता है काश और कुछ दिन जीते, इस दुनिया में रहते, चले गए, खैर दोबारा जन्म लेंगे। ये जो औसत मृत्यु के बारे में दृष्टिकोण है, ये काशी में नहीं है। काशी में मृत्यु मुक्ति या मोक्ष से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मुक्ति का धाम कहे जाने वाली काशी में मौत के बाद बारंबार मिलने वाले जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। शायद यही वजह है कि इस काशी में मौत पर गम नहीं बल्कि जश्न मनाया जाता है। आने जाने के बाद नहीं है, ये परम से जाके मिल रहा है। ये विश्वास जब दिमाग में आता है तो लगता है कि हमने मुक्ति या मोक्ष को नहीं पाया, मगर इस व्यक्ति ने, ये शरीर ने उसको पा लिया है। इसलिए ये एक वैभव, परम वैभव प्राप्ति के आनंद है मृत्यु। इसलिए लोग गाने बजाने के साथ, उत्सव के साथ उनकी शव यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्वयं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव मरने वालों के कान में तारक मंत्र देते हैं। इसके बाद वह शिवलोक जाकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि काशी में मृत्यु को भी जश्न के तौर पर मनाया जाता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर मरने के लिए ही लोग आते हैं, लेकिन इस शहर की एक अद्भुत कहानी ये भी है कि यहाँ पर मौत दुख नहीं बल्कि खुशी है। यहाँ पर लोग जिस तरह से डेड बॉडी के आगे नाचते गाते बैंड बाजा के साथ चलते हैं, शायद ही ये अद्भुत नजारा किसी और शहर में देखने को मिले। यही वजह है कि कहा जाता है कि काशी में मौत दुख नहीं बल्कि जश्न है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।